होली एवं सबे बारात को लेकर सोनाहातु परिसर में शांति समिति की हुई बैठक का आयोजन। सोनाहातु थाना परिसर में होली एवं सबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी प्यारेलाल ने किया। अंचलाधिकारी ने बैठक में शांति समिति के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, जिसमें किसी तरह अप्रिय घटना न घटे। सोनाहातु इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी टोली बनाकर शांति ढंग से होली मनाएं, कहीं चौक चौराहों पर हल्ला ना करें, किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना करें, आदेशों का पालन करें। अगर आदेशों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि तेज रफ्तार से बाइक चलाने वालों पर भी सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में प्रशासन एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ रंग गुलाल खेलकर एक दूसरे पर भाईचारे का संदेश दिया। किसी भी हमारे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, होली है, सबे बारात है, रामनवमी है, तो हमारे जो शांति समिति की जो टीम है पहले से जो पूरा समाज में लोगों को स्वास्थ्य वातावरण में त्यौहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ एक बैठक थी। अभी हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों से गुजरे हैं और अभी भी कोरोना पूरा गया नहीं है हमारा। हम लोग चाहते हैं कि कोविड का गाइडलाइन पालन करते हुए हम लोग इस त्यौहार को रंगारंग मनाएं और शांति और सौहार्द बनाए। किन मुद्दों पर चर्चा किया गया? ये आज शांति समिति की बैठक सोनाहातु थाने में की गई और इसमें आगामी होली और शबे बारात दो त्यौहार 18 तारीख को पड़ रहा है, इसको लेकर के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। शांति समिति के सदस्यों से चर्चा की गई और जहां कहीं भी कोई समस्या आने पर इनके सहयोग से हम लोग उस समस्या का समाधान करेंगे। लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम सभी पुलिस को और प्रशासन को सहयोग करेंगे।